महासम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री महेश्वर हजारी जी, यहाँ उपस्थित जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव संगठन और राज्यसभा में जनता दल यू के नेता श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी, पूर्णिया के सांसद श्री संतोष कुशवाहा जी, माननीय मंत्री परिवहन विभाग श्री संतोष निराला जी, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन लघु जल संसाधन सब, यहाँ के प्रभारी मंत्री दिनेश चंद्र यादव जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री श्याम रजक जी, पूर्व मंत्री और बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री अशोक चौधरी जी, नाम लिखे गए, परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री कृष्णंदन प्रसाद वर्मा जी, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग श्री रमेश सिंहदेव जी, माननीय विधायक रत्नेश सादा जी, रवि ज्योति जी, बीमा भारती जी, लेसी सिंह जी, नौसाद आलम साहब, मुजाहिद आलम साहब, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य संजीव कुमार सिंह जी, ललन सदाब जी, पूर्व मंत्री कर्मेश्वर सिंह जी, पूर्व मंत्री प्रहलाद गोस्वामी जी, श्री सीताराम दास जी, पूर्व विधायक मंटू सिंह जी, विश्वनाथ सिंह जी, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री रविंद्र काती जी, दलित महादलित प्रकोष्ठ के संगठन प्रभारी विद्यानंद विकल जी, पूर्णिया नगर निगम की महापौर श्रीमती सत्ता देवी जी, आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, कुछ को छोड़ करके जो कुछ कागज दिखा रहे ताकि प्रेस वाला फोटो लेकर छाप से संख्या के लिए कह गए और इधर कुछ चिल्ला रहा कह गए, सबको मालूम किया होगा हम लोगों की पार्टी तो मास पार्टी है, खुली पार्टी है, कोई आना चाहता है तो आने देते हैं, अब आने का देख लिया, अरे मुख्यमंत्री का मीटिंग नहीं है, ये जनता दल यू का मीटिंग है और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम आए, और अगर राज्य सरकार से कुछ कहना है तो इधर चले आओ और जब हम जाने लगेंगे तो अपना मेमोरेंडम दे देना, हम गौर कर लेंगे क्या आपकी मांग है, सही है गौर करेंगे, अगर सही नहीं है तो गौर भी नहीं करेंगे, अपने ढंग से काम करने का तरीका है। अब आप समझ लीजिए ये इतना बड़ा सम्मेलन है और आप सभाएं जिला स्तर पर भी सम्मेलन हुआ और अब प्रमंडल स्तर पर सम्मेलन हुआ, बीच के कुछ दिनों में कई प्रकार के भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, मैं अपने पार्टी के तमाम नेताओं को और साथियों को जो खास करके दलित महादलित समाज से आते हैं, उन लोगों ने अनेक गांव में जाकर और जितने छात्रावास उसमें जाकर लोगों के साथ बातचीत की, संवाद कायम किया और जानकारी ली कि मसला क्या है, एक एक चीज की जानकारी ली, और हम लोगों के द्वारा जो आज तक किया गया है उससे भी याद दिलाया लोगों ने, तो लोगों को एक बात का एहसास हो गया कि भाई ये तो काम बहुत हो रहा, तो ने सही था, और याद करिए 2005 के नवंबर में आए और 2006 में शुरू में ही जो चुनाव होना था उसके पहले हम लोगों ने अध्यादेश ला करके आरक्षण का प्रावधान किया और उसके बाद चुनाव हुआ और चुनाव के बीच में अध्यादेश को कानून में परिणत किया, तो काम कहां से शुरू हुआ, एक एक चीज, अरे उसको बचाओ भाई पुलिस वाला ले जाके, कौन बेचारे को तंग कर रहा है उसको ले जाओ, वो यहां जो पुलिस वाले हैं उनको ले जाए, क्या उनको दिक्कत है, तो यहां से हम लोगों का काम शुरू हुआ और उसके बाद आप ये जान लीजिए जो हम लोगों ने
ये तय किया कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़े। हमने उस समय जो आंकड़ा देखा और सर्वे करवाया तो पता चला कि 12.5% हमारे बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते हैं। हमने उसका भी अध्ययन करवाया और उसमें देखा कि स्कूलों से बाहर रहने वाले लड़के लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति की है और उसमें भी जो महादलित है उसकी है और अल्पसंख्यक समाज के लोगों की। सबको स्कूल पहुंचाने के लिए हमने कितने नए शिक्षकों के का नियोजन किया, कितने नए स्कूल खुलवाए और इसके बाद 16 सेवक का शिक्षा स्वयं सेवक तालमी मर्कज के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज में उसको नियुक्त किया गया। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, जो लोग पहले से कर रहे हैं